सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मेदिनीनगर नगर निगम बोर्ड की बैठक मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति नगर भवन में बुलाई गई। बैठक में मुख्य रूप से महापौर अरुणा शंकर, नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद और उप महापौर राकेश सिंह और उप मंगल सिंह के अलावे विभिन्न वार्डों के प्रतिनिधि और कई निगम कर्मी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आवास योजना में जरूरतमंदों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए निगम क्षेत्र में हो रहे डोर टू डोर कलेक्शन और 14वीं वित्त के अंतर्गत आने वाले योजनाओं की सफल क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इसके अलावा निगम क्षेत्र की जलापूर्ति योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के विषय पर भी वार्ड प्रतिनिधियों से गहनता से विमर्श हुए। वहीं बैठक के उपरांत उप महापौर श्री सिंह ने कहा कि बोर्ड बैठक में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने सहित आवास योजना व अन्य विकास योजनाओं पर सार्थक चर्चा होने के अलावे आने वाले पर्व त्योहारों की श्रृंखला के दौरान समूचे निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था एकदम दुरुस्त रखने का निर्णय लिया गया है। कल की बोर्ड की बैठक में नगर निगम के विभिन्न योजनाओं पे निर्णय लिया गया है, जिसमें से प्रधानमंत्री आवास 14वीं वित्त से जो योजनाएँ भेजनी थी उसका निर्णय लिया गया है। उसके साथ साथ डोर टू डोर कलेक्शन का जो कार्य चल रहा है उसका निर्णय लिया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो जलापूर्ति योजना का है उसको अच्छे से कैसे चले, इसमें चाहे वह बेलवाटी कर जलापूर्ति योजना हो, सुखना जलापूर्ति योजना हो, चैनपुर जलापूर्ति योजना हो या बारालोका जलापूर्ति योजना हो, तीनों ग्रामीण योजनाओं के लिए कुछ राशियाँ दी गई हैं संचालित करने के लिए। उसके साथ साथ बेलवाटी कर जलापूर्ति योजना में जो जो भी समस्या है उस पर ठोस निर्णय लेकर कार्य करने के लिए निर्णय लिया गया है। शहर के विभिन्न रोड नालियाँ सुचारू रूप से किस प्रकार चले, सफाई, विभिन्न विषयों पर कल चर्चा हुई है। आने वाले छठ पूजा, माँ दुर्गा का पूजा, दीपावली पूजा में सफाई कैसे व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था कैसे हो, विभिन्न पूजा पंडालों में डस्टबिन की व्यवस्था कैसे हो, मैंने मुख्य रूप से सारे विषयों पर चर्चा करते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से कल बोर्ड की बैठक हुई है।